ये हमारा आ गया 10, ये हमारा आ गया 15 और ये आ गया 1/5। तो जब हम u की वैल्यू निकालेंगे u बाय 10 इक्वल टू 1/5। हेलो बच्चा लोग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित की पाठशाला में। आपके मोहित सर आ चुके हैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्नावली लेके। जैसा आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.5 को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था, उसी चैप्टर को हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.6 को। प्रश्नावली 3.6 में हम लोग वज्र गुणन विधि से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। उससे पहले जितने भी हमें ये समीकरण दिए गए हैं उनमें एक ट्विस्ट है, अब वो ट्विस्ट क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रश्नावली 3.6। प्रश्नावली 3.6 में हमें इस तरह से जो समीकरण है वो दिए जाएंगे, हमें नॉर्मल जो इक्वेशन है वो नहीं दी जाएगी, हर इक्वेशन में कुछ ना कुछ अलग ट्विस्ट होगा, ठीक है। तो आपने इनको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो एक्स वाली टर्म होगी ना वो देखनी है कि दोनों समीकरण में क्या वो जो एक्स की टर्म है वो सेम है। यहां देखो एक्स माइनस एक है, यहां भी एक्स माइनस एक है, तो आपने क्या करना है, वन अपॉन एक्स माइनस वन को आपने यू मानना, क्या मानना है, यू मानना, ठीक है। और अब वाई की वैल्यू देखो, वाई माइनस टू, वाई माइनस टू दोनों इक्वेशन में वाई माइनस टू दिया है, तो वन अपॉन वाई माइनस टू आपका वी बनेगा, इसमें आपने यू और वी को लेना है, क्या करना है, यू और वी को लेना है। उसके बाद जो आपके समीकरण बनेंगे वो इस तरह बनेंगे, पांच यू, वन अपॉन एक्स माइनस एक की जगह बना ये यू, पांच यू प्लस वन अपॉन वाई माइनस टू की जगह हमने लिखा वी इज इक्वल टू टू, तो एक समीकरण ये बन गया। दूसरा देखो, छे यू, छे इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन, उसकी जगह लिखा था यू, माइनस तीन वी, वी था हमारा वन अपॉन वाई माइनस टू, ओके। इनको सॉल्व करना है, जब आपके आंसर आ जाएंगे यू और वी उसको अपने इनके इक्वल पुट करना है कि वन अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी, 1/2, 1/5, 15, 20 कुछ भी आएगा, वहां से आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, वहां से आपकी वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन थोड़े बड़े क्वेश्चन है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से, तभी आपको ज्यादा क्लियर होगा, ओके। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है हमारे पास, वन अपॉन टू एक्स प्लस वन अपॉन थ्री वाई इक्वल टू टू, और दूसरा समीकरण इसके साथ वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वन अपॉन टू वाई इक्वल टू 13/6। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को देखो, ठीक है, वन अपॉन एक्स यहां है, वन अपॉन एक्स यहां भी है, ठीक है, वन अपॉन वाई ऊपर है, वन अपॉन वाई यहां भी है, ओके। तो आपने क्या करना है कि पुट वन अपॉन एक्स इक्वल टू यू और वन अपॉन वाई इक्वल टू वी, ठीक है। तो ये आपका बनेगा, देखो 1/2 ये बन गया यू प्लस 1/3 ये बन गया v इक्वल टू टू। पहले इसी को ही थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, तो ये हमारा बनेगा 6 3u + 2v = 2, ये बनेगा 3u + 2v = 2 × 6 = 12। पहला समीकरण ये आ गया, क्योंकि हम लोग इसमें वज्र गुणन विधि लगाने वाले हैं, तो 3u + 2v - 12 = 0, क्योंकि इस टर्म को यहां लाना भी जरूरी होता है, ठीक है। अब दूसरे समीकरण को भी चेंज करते हैं, ये हमारा बनेगा 1/3u / 2v = 13/6। इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, यहां आएगा 6, यहां आएगा 2u + 3v = 13/6, 6 से 6 कट गया, 2u + 3v - 13 = 0, ये आ गया आपका समीकरण दूसरा, ठीक है। अब बाकी सेम चलेगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2, वो सब सेम चलेगा, ठीक है। तो a1 है हमारा 3, a2 है हमारा 2, b1 है हमारा 2, b2 है 3, c1 है -12 और c2 है -13, क्लियर। अब
आपने क्या करना है, सबसे पहले बी वन बी टू की वैल्यू लिखते हैं, दो और तीन, और लास्ट में भी कर दो, दो और तीन। बी से पहले आता है ए, तो यहाँ आएगा थ्री और टू, यहाँ पे आएगा सी की वैल्यू -12 -13, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारा आएगा, यहाँ पे हम मैक्स नहीं लेंगे, यहाँ हम यू लेंगे क्योंकि यू की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। यू यहाँ आएगा, वी यहाँ आएगा वन, ठीक है। तो पहला आएगा -26 + 36, ठीक है, और यहाँ हमारा आएगा -24 + 39, और यहाँ आएगा 9 - 4, तो ये हमारा आ गया 10, ये हमारा आ गया 15, और ये आ गया 1/5। तो जब हम u की वैल्यू निकालेंगे, u/10 = 1/5, ठीक है, तो ये हमारा आएगा, देखो 5u = 10, और u = 10/5 यानी 2, तो u आ गया 2। अब v की वैल्यू निकालते हैं, v/15 = 1/5, तो इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं वैसे, तो v/3 = 1, तो v = 3, तो u आ गया 2, v आ गया 3। क्या ये हमारा कंप्लीट आंसर है? नहीं। अब हम क्या करेंगे, पहले इनको मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1/x = u है, ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी है, 2, तो 1/x = 2, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2x = 1 और x = 1/2, कितनी आई, 1/2। सेम 1/y = v, तो 1/y = v कितना, 3, ठीक है, तो y = 1/3, तो x आ गया 1/2, y आ गया 1/3, ओके। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें हम लोग इसी प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं, ओके। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है। तो करते हैं इसका अगला पार्ट। अगली इक्वेशन है हमारी 2/√x + 3/√y = 2, और दूसरा समीकरण है 4/√x - 9/√y = -1। सबसे पहले x और y की वैल्यूज देखो, 1/√x 1/√x 1/√y 1/√y, ठीक है, तो पुट 1/√x ये आ गया u, और 1/√y ये आ गया v, तुमको चेंज करो, ये हमारा बनेगा 2u + 3v = 2। इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, ये बनेगा 2u + 3v - 2 = 0। दूसरा समीकरण 4u - 9v, ये इस तरफ आ जाएगा, ओके, इसको हमने डायरेक्ट ही चेंज कर दिया, ठीक है, एक ये दूसरा ये, और ये हमारा बनेगा, देखो a1 a2 की वैल्यू लिखना जरूरी नहीं है, मैं डायरेक्ट इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसको लिखते हैं, ठीक है, 3 और -9, b1 b2, 3 और -9, ठीक है, यहाँ पे आएगा c1 c2, -2 और 1, यहाँ आएगा 2 और 4, ठीक है, तो u हमारा आएगा 3 - 18, v हमारा आएगा -8 और -2, -8 - 2 और -18 - 12, तो u हमारा आ गया -15, v हमारा आ गया -10 और 1/-30। जब u निकालेंगे, u - 15 यहाँ इस तरह से ये कट जाएगा, ये आएगा 2, तो u = 1/2 और v = v/-10 = 1/-30, ये कट गया 3, v आ गया 1/3। तो क्या ये कंप्लीट आंसर है? बिल्कुल नहीं, अभी हमने यहाँ वैल्यू भी निकाल ली, तो 1/√x = u है, u की वैल्यू है 1/2, दोनों तरफ स्क्वेयर करोगे तो आपके पास आएगा 1/x = 1/4, ओके, और x = 4। सेम यहां पे करेंगे, 1/√y = 1/3 है, दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे, ये आएगा 1/y = 1/9, और y आ गया आपका 9, x आ गया 4, y आ गया 9। आगे बढ़ते हैं, इसका तीसरा पार्ट करते हैं, 4/x + 3y = 14, और
तीन बाय एक्स माइनस चार वाई इक्वल टू 23। इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले वन अपॉन एक्स इक्वल टू यू और वाई को वी के इक्वल पुट कर दो, ये बनेगा चार यू प्लस तीन बी माइनस 14 इक्वल टू जीरो, ये बनेगा तीन यू माइनस चार बी माइनस 23। ओके, ये हमारा बनेगा, देखो तीन माइनस चार, तीन माइनस चार, यहाँ पे आएगा माइनस 14 माइनस 23, यहाँ आएगा चार और तीन। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज को पुट करना है, तो यू हमारा आ गया, ये हमारा हो गया 69 माइनस का और माइनस 56। ठीक है, बी हमारा हो गया 42 प्लस 92 और वन हमारा हो गया माइनस 16 माइनस 9, ये हमारा हो गया यू अपॉन माइनस 125 बी बाय 50 वन बाय माइनस 25। तो यू की वैल्यू निकालेंगे, यू हमारा आएगा यू 25 वन बाय माइनस से माइनस कट गया, 25 पंजे होता है 125, तो यू बाय 5 इक्वल टू 1, यू इक्वल टू 5। ओके, और बी बाय 50 इक्वल टू 1 बाय 5, ये से कट जाएगा या माइनस 2 आएगा, v इक्वल टू माइनस 2। ओके, तो 1 बाय x इक्वल टू u मीन्स 1 बाय x इक्वल टू 5, तो ये हमारा आएगा 5x इक्वल टू 8, यानी x आएगा 1 बाय 5 और यहाँ पे आएगा y इक्वल टू v यानी y इक्वल टू माइनस 2। तो आपका आंसर आया x इज इक्वल टू 1/5 y माइनस का 2। अब करते हैं इसका अगला पार्ट। अगर आपको लग रहा कि मैं ज्यादा तेज करवा रहा हूं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही आपको जो उसका बेसिक है वो बता दिया था कि हर क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपका टाइम भी क्यों वेस्ट करें। ओके, ठीक है, क्योंकि हमें स्टेप सारे पता है, फॉर्मूला किस तरह यूज करना है वो भी पता है। ओके, तो हम लोग टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन को एकदम से सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसका चौथा पार्ट है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2 और दूसरा समीकरण है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। तो इसमें क्या करेंगे, पुट 1/x-1 इक्वल टू यू और y-2 इक्वल टू v, तो हमारे समीकरण बनेंगे 5u प्लस बी इक्वल टू 2। इसको इस तरफ लेके आएंगे, बनेगा 5u v-2 इक्वल टू 0 और दूसरा हमारा बनेगा 6u-3v-1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा बनेगा 1-3 1-3, यहाँ आएगा -2 -1, यहाँ आएगा 5 और 6, तो u अपॉन -1 -6 v अपॉन -12 + 5 और 1/-15 - 6, तो ये हमारा बनेगा u और -7 v -7 और ये -21। जब हम u निकालेंगे, u -7 1/21 ये कट जाएगा, 7 + 21 होता है, तो u आ गया 1/3 और b -7 इक्वल टू, तो v भी आ गया 1/3, तो u और v दोनों आ गए 1/3 1/3। ठीक है, तो 1/x-1 इक्वल टू 1/3 और 1/y-2 इक्वल टू 1/3। इनको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा x-1 इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, हमारे y-2 इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5। अब इसका पांचवा पार्ट, उसमें हमें इस तरह से जो समीकरण है वो दिए गए हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, 7x/xy इस तरह करो और 2y/xy अलग अलग करके लिखो, x x कर दिया गया जाएगा 7/y, यहाँ पे y से y कर दिया गया जाएगा 2/x इक्वल टू 5। एक्स वाली टर्म को पहले लिखो, -2/x + 7/y = 5। ओके, और दूसरे समीकरण में भी सेम चेंज करेंगे,
तो ये हमारा बनेगा, देखो 7/x बनेगा और 8/y बनेगा इक्वल टू 15। ठीक है, करके बता देता हूँ, देख लो यहाँ पे 8x/xy, 7y/xy, y कट गया, x कट गया, तो 8/y 7/x इक्वल टू 15, चेंज करके लिखेंगे तो यही आएगा। ओके, अब पुट 1/x इक्वल टू यू और 1/y इक्वल टू वी, तो ये हमारे बनेंगे -2u+7v-5=0, और यहाँ हमारा बनेगा 7u+8v-15=0। ओके, यही बनेगा। अब सबसे पहले 7 और 8, यहाँ भी 7 और 8, -5 -15 और -2 और 7, तो हमारे u आएगा, u ऑन 105+40 e अपॉन -35 -30 और 1/-16 -49। ओके, तो ये हमारा बनेगा u -65 -65 -65। ओके, तो u की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आएगी 1, u की वैल्यू आ गई 1, v की वैल्यू भी 1 ही आएगी। ठीक है, तो v भी आ गया 1, u भी 1, v भी 1, और ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, यहाँ 1/x=1, तो x भी आ गया 1, तो y भी आ गया 1। ठीक है, क्योंकि 1/y=1 है, तो y भी 1, x भी 1। ठीक है, अब करते हैं इसका अगला पार्ट, 6x+3y=6xy और 2x+4y=5xy। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि हर एक क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट मिलेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, दोनों समीकरण को एक्स वाई से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 6x/xy, 3y/xy और 6xy/xy, ये कट गया, वाई कट गया, एक्स कट गया, तो 3/x 6/y, इनको चेंज कर दिया। ठीक है, और ये आ गया 6 के बराबर। ठीक है, दूसरा हमारा बनेगा 2x/xy, 4y/xy, 5xy/xy, ये कट गया, वाई कट गया, एक्स कट गया, यहाँ पे आएगा 4/x 2/y=5, इनको चेंज करके लिख दिया। ठीक है, अब 1/x को करो पुट यू, 1/y को करो वी, तुम्हारे समीकरण बनेंगे 3u+6v=6 और 3u+6v-। ठीक है, दूसरा बनेगा 4u+2v-5=0। इसको पहले मैं इधर को ले आया। ठीक है, दोनों समीकरण आ चुके हैं, हमारे आंसर इस तरह आएंगे, देखो 6, 2, 6, 2, -6, -5, 3 और 4, ये जो कॉम्बिनेशन है वो लिखने जरूरी होते हैं ताकि हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। तो यू इज इक्वल टू -30+12 और वी यहाँ पे आएगा -24+15 और 1/6 -24, तो ये आ गया -18, वी आ गया हमारा -9 और यहाँ पे आएगा -18, तो u की वैल्यू आएगी 1, u आ गया 1, तो v हमारा आएगा 2, तो v हमारा आ गया 1/2। ठीक है, v हमारा आ गया 1/2, u आ गया 1, v आ गया 1/2, तो x हमारा आएगा 1/x=1, तो x की वैल्यू आ गई 1, 1/y=v यानी 1/2, तो y=2, तो x आ गया 1, y आ गया 2। अब करते हैं इसका सातवां पार्ट, अगर कहीं घटाने में, जमा करने में, गुना करने में, भाग करने में कहीं भी अगर कोई गलती हो जाती है बाय चांस, तो कमेंट में मुझे बता देना कि सर वहां पे गलती हो गई। ओके, कई बार ध्यान में नहीं रहता है। ओके, छोटी छोटी चीजें भी कई बार दिमाग से निकल जाती है। इसका अगला पार्ट करते हैं, वो है tan upon x plus y
और 2 upon x minus y equal to 4, और दूसरा है 15 बटे x plus y minus 5 बटे x minus y equal to -2। तो सबसे पहले put 1 upon x plus y equal to u और 1 upon x minus y equal to v, ये बनेगा 10u plus 2v minus 4 equal to 0। दूसरा बनेगा 15u minus 5v plus 2 equal to 0। तो ये हमारा बनेगा 2 और -5, 2 और -5, यहाँ आएगा -4 और 2, यहाँ आएगा 10 और 15। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा u/4 -20, v हमारा बनेगा -60 -20, ये -5 है, ठीक है, और ये बनेगा -50 -30। तो ये हमारा बनेगा -16 -80 -80। तो u की वैल्यू आएगी, माइनस से माइनस कट गया, 16 5 80 होता है, u आ गया 1/5, v की वैल्यू आएगी, माइनस से माइनस कट गया, 80 से 80 कट गया, ठीक है, तो v की वैल्यू आ गई 1, u की आ गई 1/5, तो 1 upon x plus y equal to u कितना है 1/5 और 1 upon x minus y equal to 1। अब आपको क्या है, दोनों समीकरण सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है, तब आपका आंसर निकलेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये मिटाना पड़ेगा। तो पहला समीकरण बनेगा, देखो x plus y equal to 5, दूसरा बनेगा x minus y equal to 1, इनको ऐड कर दो, ये कट गया, 2x equal to 6 x equal to 6 by 2, यानी 3, x आ गया 3, तो y की वैल्यू निकालेंगे, y is equal to 5 minus x, तो y आ गया 5 minus 3, यानी 2, x आ गया 3, y आ गया 2, आपका आंसर। अब करते हैं पहले क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, ये हमारे पास 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y equal to 3/4 और 1 upon 2 3x plus y or minus 1 upon 2 3x minus y equal to -8/8। तो कॉमन क्या है, कॉमन है हमारे पास 1 upon 3x plus y और 1 upon 3x minus y। तो पुट 1 upon 3x plus y equal to u और 3x minus y equal to v, ये बनेगा u plus v equal to 3/4, और यहाँ पे ये बनेगा 1/2u minus 1/2v equal to -8/8। अगर हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो ये बनेगा u minus v equal to -8/4। तो ये थोड़ा देखने में भी सही लग रहा है, ओके, तो यहाँ से वैल्यूज निकालते हैं, तो ये हमारे पास आएगी, पहले इनको थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, ये 4 इस तरफ ले आते हैं, तो ये हमारा बनेगा 4u plus 4v equal to 3, और ये 3 भी यहीं पे आ जाएगा, 4u 4v minus 3 equal to 0, और दूसरा हमारा बनेगा 4u minus 4v equal to -1, ये इस तरफ आ जाएगा, ये बनेगा 4u plus 1 equal to 0। तो पहला समीकरण ये, दूसरा ये, तो वैल्यूज लिखते हैं, हमारे पास आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 4 minus 4 4 minus 4, इधर आएगा -3 1 और 4 और 4, ठीक है, तो u upon 4 minus 12 v upon -12 -4 1 upon 16 minus का है, ठीक है, और माइनस का, तो ये बनेगा u -8 v -16 -32। तो यहां से अगर हम लोग u और v की वैल्यू निकालें, तो वो हमारे पास आएगी u -8 = 1/32,
8 चौका 32 यानी u आ गया 1/4, v माइनस 16 और ये आ गया 2, v आ गया 1/2, u आ गया 1/4, v आ गया 1/2, तो इनको सॉल्व करते हैं तो 1/3x + y = u है, ठीक है, u की वैल्यू है 1/4, ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 3x + y = 4 और दूसरा समीकरण बनेगा देखो 3x - y = 1/2 है, तो ये बनेगा 3x - y = 2, इनको ऐड कर दो ये कट गया, ये आ गया 6x = 6x = 6/6 1, एक्स की वैल्यू आ गई 1 और वाई की वैल्यू निकालते हैं, y = 4 - 3x - 4 - 3, ये भी आ गया 1, y भी 1 x भी 1, ओके okay? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स दिए हैं, पहला पार्ट कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इनको हमने किस तरह सॉल्व करना है, सबसे पहले अगर हम स्थिर जल की जो चाल है उसको इस तरह मान लें x किलोमीटर पर आवर और जो धारा की चाल है उसको मान लें y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जैसा आपको पता है कि जो चाल होती है वो होती है दूरी बटा समय यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस इक्वेशन में हमें क्या क्या दिया गया है, हमें समय दिया है, दूरी दी है, सिर्फ चाल निकालनी है, ठीक है, इसमें 2 इक्वेशन बनेगी जैसा हमें पता है। तो पहला अगर हम समीकरण बनाए, ठीक है, तो वो इस तरह बनेगा कि वो कहती है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो चाल तो हमें नहीं पता है, दूरी हमें पता है कि 20 किलोमीटर तैर सकती है कितने 2 घंटे में, और चाल हमें नहीं पता है, चाल को अगर हम लोग माने क्योंकि ये बात कर रहा है धारा के अनुकूल, जब अनुकूल की बात आती है तो वहां पे हम लोग इस तरह लेते हैं, देखो अनुकूल वहां पे x + y किलोमीटर पर आवर लेंगे, ठीक है, और जब प्रतिकूल की बात करेंगे तो वो लेंगे x - y किलोमीटर पर आवर, इस बात का ध्यान रखें। तो हम लोग बात कर रहे हैं पहले अनुकूल की, तो यहां पे आएगा x + y, क्या आएगा x + y, तो ये यहां पे आ जाएगा, ये आएगा 2 x + y = 20, 2 से ये कट जाएगा तो आपका समीकरण बनेगा x + y = 10, एक समीकरण, क्योंकि जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं, उसमें नहीं लिखा है कि आपने वज्रगुणन विधि ही लगानी है, ठीक है। दूसरा ये हमारा कहता है कि जब वो धारा के प्रतिकूल जाती है, प्रतिकूल यानी x - y = 2, तो वो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर तैर पाती है, ठीक है, तो ये कट गया, ये 2 आ गया, तो x - y = 2, तो ये 2 समीकरण आ गए, इनको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, x + y = 10, x - y = 2, तो अगर हम इनको ऐड करें तो ये हमारे पास बनेगा, देखो ये कट गया, 2x = 12 x = 12/2, 6 x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू निकालते हैं, y = tan - x tan - 6 4, तो x आ गया 6, y आ गया 4, तो स्थिर जल में तैरने की चाल उसकी होगी 6 किलोमीटर पर आवर और जो धारा की चाल होगी वो होगी 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट होता है कंप्लीट, करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और इसी कार्य को करने के लिए पुरुष कितना समय लेगा, ओके। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अब इसमें हम सिंपल जो इक्वेशन है वो नहीं बना सकते, इसमें इक्वेशन कैसे बनेगी देखो, 2/x, ठीक है,
2 बटे एक्स प्लस 5 बटे वाई इक्वल टू जितने दिन दिए हैं उसको भी 1 अपॉन करके लिखें इस तरह से, ठीक है। सेम जो दूसरी क्वेश्चन बनेगी वो बनेगी 3 बटे एक्स 6 बटे वाई 1 बटे 3, ये बनेगी। अब देखो पुट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू यू और 1 अपॉन वाई इक्वल टू वी, तो ये बनेगा 2u प्लस 5v इक्वल टू 1 अपॉन 4, ये बनेगा। अब यहां बनेगा 3u 6v 1 अपॉन 3, तो हम लोग अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए बनेगा देखो 2u प्लस 5v माइनस 1 बटे 4 इक्वल टू 0, 3u प्लस 6v माइनस 1 बटे 3 इक्वल टू 0, ओके। तो यहां से हमारी जो वैल्यूज बनेगी वो इस तरह बनेगी 5 6 5 6 माइनस 1 बटे 4 माइनस 1 बटे 3 और, ठीक है, तो u हमारा आएगा माइनस 5 बटे 3 प्लस 6 बटे 4, यहाँ पे आएगा माइनस 3 बटे 4 प्लस 2 बटे 3, यहाँ पे हमारा आएगा 12 माइनस 15, ये हमारा हो गया यू ऑन आएगा 12, यहाँ पे आएगा 20 प्लस 18, इधर आएगा 12 और 9 प्लस 8 इक्वल टू 3, ये हमारा बना यू माइनस 2 बटे 12 यानी 1 बटे 6, ये हमारा आ गया माइनस 1 बटे 12, ओके। तो ये वैल्यूज है हमारी, इनको सॉल्व करते हैं पे एक्स है, ठीक है। तो यू माइनस 1 बटे 6 इक्वल टू 1 बाय माइनस 3, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, ठीक है। ये हमारा बना 3 यू इक्वल टू 1 बाय 6, यू इक्वल टू 1 बाय 18 और ये आएगा वी बटे 12, ठीक है, इक्वल टू इस तरह, तो 3 वी इक्वल टू 1 बटे 12 36, ठीक है। तो u आ गया 1 बटे 18, v आ गया 1 बटे 36, तो x और y की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे मिटाते हैं, ठीक है। 1 अपॉन x इक्वल टू u यानी 1 अपॉन x इक्वल टू 1 बाय 18, 1 बाय 18 x इज इक्वल टू 18, 1 बाय y इक्वल टू v यानी 1 बाय y इक्वल टू 1 बटे 36, तो y आ गया 36, x आ गया 18, y आ गया 36, ओके। अब करते हैं इसका आखिरी क्वेश्चन। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की जो चाल है वो हमें बतानी है, ठीक है। तो जो कुल दूरी है वो है 300 किलोमीटर, इसमें हमें चाल ही निकालनी है, ठीक है। बट पहले जो समीकरण है वो हमें बनाने पड़ेंगे। तो यह कहता है कि जो रूही है वो रेलगाड़ी से, ठीक है, रेलगाड़ी से वो 60 किलोमीटर जाती है और बाकी जो दूरी बची है उसको वो बस से करती है। तो 300 माइनस 60 कर दो या क्या 240, ठीक है, तो उसे लगते हैं 4 घंटे अगर वो ये रेलगाड़ी से सफर करे और ये बस से सफर करे तो उसे लगते हैं 4 घंटे। और अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले, ठीक है, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले और बाकी बचे मतलब 300 माइनस 100 200 किलोमीटर वो बस से चले तो उसे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, मतलब 4 घंटे 10 मिनट इतना समय लगेगा। तो हमें इन दोनों का यूज करके यहां पर समीकरण बनाने हैं, ठीक है। तो हमारे समीकरण इस तरह बनेंगे, देखो 60 अपॉन एक्स या 60 अपॉन यू भी आप ले सकते हो, ठीक है, 60 अपॉन एक्स प्लस
240 बटे वाई इक्वल टू, टाइम कितना बोल रहा है, 4 घंटे, तो 4 पहला समीकरण ये बना आपका, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, 100 बटे एक्स 200 बटे वाई इक्वल टू, समय बोला था 4 घंटे, तो 4 प्लस 10 मिनट। अब 10 मिनट को चेंज कैसे करेंगे, 10 बटे 60 करके, ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये हमारा बनेगा 24 प्लस 1 बटे 6 यानी 25 बटे 6, ठीक है। तो ये बन गया 100 बटे एक्स 200 बटे वाई 25 बटे 6। आपने लिखना है 1 बाय एक्स इक्वल टू यू 1 बाय वाई इक्वल टू बी, तो ये हमारा बनेगा 60 u 240 v माइनस का 4 इक्वल टू 0, और ये हमारा बनेगा 100 u 200 v 25 बटे 6, ये इस तरफ आ जाएगा। इस तरह से, ठीक है, तो हमारी जो वैल्यूज है वो इस तरह आएगी, 240 200 240 200 और -4 -25 बटे 6 और यहाँ 60 यहाँ 100। ये क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं किया, तो देखते हैं क्या आता है। यू अपॉन 240 गुना माइनस का 25 बटे 6, 40 गुना ये, और यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस 800, फिर आ गया बी -400 प्लस 25 गुना 10, ठीक है, और आ गया 1 अपॉन, ये हो गया 12,000 माइनस 24,000, ठीक है, तो ये बन गया 25 चौका 100 यानी -1000 प्लस 800, यहाँ बन गया -400 प्लस 250, यहाँ बन गया -12,000, तो ये हमारा बन गया यू -200, वी बन गया -150, ये बन गया -12,000। तो यू की वैल्यू जब निकालेंगे तो यू हमारा आएगा 200 इक्वल टू 12,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, माइनस से माइनस कट गया, ये हमारा आ गया 60, तो यू आ गया 1 बटे 60, ठीक है, यू हमारा आ गया 1 बटे 60। वी निकालते हैं, तो वी यहीं पे निकाल लेते हैं, देखो इसको मिटा दो, तो माइनस से माइनस 0 से 1 जीरो कट गई, 15 8, ठीक है, 15 गुना 8 होता है 120, तो ये आ गया 80, ठीक है, तो वी आ गया 1 बाय 80, यू आ गया 1 बाय 60। तो अभी तो कंप्लीट आंसर नहीं आया, अभी आएगा आंसर, 1 बाय एक्स इक्वल टू यू यानी 1 बाय एक्स इक्वल टू कितना है, 1 बाय 60, तो एक्स आ गया 60, 1 बाय वाई इक्वल टू वी, 1 बाय वाई इक्वल टू 1 बाय 80, y इज इक्वल टू 80, तो एक्स आ गया 60, वाई आ गया 80, तो ये है आपका आंसर। अब कई जगह पता कैसे किया है, इन्होंने पहले इसको u वाली फॉर्म में लेके आए, ठीक है, उसके बाद इन्होंने इसको सॉल्व किया। अब मैंने क्या किया, मैंने ना इसको 4 से डिवाइड किया, मैंने इस समीकरण को बिल्कुल भी छोटा नहीं किया, ओके, आंसर आपका सेम ही आएगा, ओके, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर हो गया है, बट आपका आंसर सेम ही आएगा, ओके। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करने की ट्राई करें तो देखते हैं क्या आता है, ओके, ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है, सिर्फ हमें चाहिए समीकरण, ठीक है, तो जो पहला समीकरण है इसको अगर हम 4 से करें भाग, तो ये कितना बनेगा, देखो 15 u 60 v -1 = 0, ये बन गया। दूसरा देखो, इसको अगर हम 100 से डिवाइड करें तो ये बनेगा u + 2 v - यहाँ देखो 25 बटे 100 6 4, ठीक है, तो माइनस का 1 बटे 24, ये बना। इसको अगर हम विलोपन विधि लगाएं इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको b हमने कैंसिल करना है, ठीक है, तो यहाँ पे 30 से करेंगे मल्टीप्लाई,
ऊपर वाला तो वैसे रहेगा, ये एक को दूसरी तरफ ले जाओ ठीक है, ताकि घटाने में इजी रहे। यहाँ 30 से कर रहे ना, ये 30 यू बन गया और ये बन गया 60 वी बन गया, और यहाँ पे ये बने, ये दूसरी तरफ चला गया ना, ये हो गया 30/24। तो हम लोग माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, माइनस 15 u = ठीक है 1 - 30/24। तो 15 u = 24 - 30/24 और -15 u = -6/24, ये आ गया -1/4, माइनस से माइनस कट गया, 15 u = 1/4, u = 1/60, u आ गया 1/60। तो 1/x = 1/60, 1/x = 1/60, x आ गया 60, वैसे भी x की वैल्यू 60 ही आई थी ठीक है। तो v की वैल्यू निकालते हैं, तो v की वैल्यू आएगी देखो 60v = 1 - 15u, तो 60v = 1 - 15 × 1/60, तो ये हमारा आ गया 60v = 1 - 1/4, तो ये आ गया 60v = 3/4, से कट गया आ गया 20, तो 20v = 1/4, v = 1/80, तो 1/y = 1/80, y आ गया 80 ठीक है। तो कोई भी मेथड आप इसमें यूज कर सकते हो, आपकी जो वैल्यू है वो सेम ही आएगी। तो इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली है 3.6 वो होती है पूरी तरह से कंप्लीट, और इसी एक्सरसाइज के साथ हमारा जो चैप्टर है 3 वो पूरी तरह से होता है कंप्लीट। तो हमने प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और आज हमने प्रश्नावली 3.6 को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। तो इस पूरे चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा है, हमने सीखा ग्राफ विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, ओके इन सभी मेथड्स को हमने अच्छे से सीखा है। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरे चैप्टर से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, और इस वीडियो से भी आपने कुछ नया सीखा होगा। इस वीडियो से आपने अगर कुछ नया मेथड सीखा है, कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगा है, सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा एक विजन है कि मेरे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट कर पाए और मैथमेटिक्स को एक नए वे में और बिल्कुल फ्री सीख पाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और प्रश्नावली के साथ।